Hello everyone. So here's your next poem, The Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. An extremely interesting and famous poem written by Thomas Hardy. Thomas Hardy, a poet of 19th century, he is a novelist also. He has written novels as well as poems. So he belongs to Victorian age, also known as 19th century. If you have read about him, you'll come to know that he was writing about the pessimistic aspects of human life. He was writing about the grief, misery of human life. And as I have told you, the modern poetry is basically about observation. These writers were keen observers of humanity, human life, or whatever was going around them. Okay, so they were writing about the realistic aspects of life. Their poetry is filled with melancholy, sadness, and symbolism, and metaphors. Certain things are very common in their poetry because they were experimenting with their poetry. Okay, they were catering to realistic aspects. ठीक है, उनकी जो पोइट्री होती है वो बहुत रियल चीज़ों पे बेस्ड होती है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के. और ह्यूमन लाइफ में जो भी हो रहा है, वी ऑल नो दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फिल्ड विद मेलनकली, ग्रीफ एंड वेरियस प्रॉब्लम्स वी कम अक्रॉस इन ह्यूमन लाइफ. सो दे आर राइटिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर पोएम आर राइटर थॉमस हार्डी इज टॉकिंग अबाउट द Season of winter, we all know that it is extremely harsh when there is fog all around. There is, you know, everything seems to be disappearing under the cover of frost. Okay, ऐसा लगता है कि सर्दियों में सब चीज़ें जहाँ हैं वहीं पर रह गई, और कोहरे की वजह से कुछ हमें दिखाई नहीं देता. तो कहीं ना कहीं ये सिंबल है उन सभी चीज़ों का, कि किस तरह मानवता में भी एक ठहराव आ गया, और किस तरह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं सिमट के रह गई. ओके, सो आई स्टार्टेड. I leant upon a Kopje's gate. From the very beginning, our writer Thomas Hardy will give you a description of nature. He is in the forest and somewhere he is saying, I leant upon a Kopje's gate, कि मैं ऐसे लटक के खड़ा हूँ. एक Kopje's gate, पता, एक पेड़ पत्तियों से घिरा हुआ गेट जो है, जिस पर क्रीपर्स जो होती हैं उन्होंने उसको घेर लिया है. I leant upon a Kopje's gate, एक ऐसे गेट पे मैं लटका हुआ हूँ जहाँ पर पत्तियाँ, पेड़ वगैरह जो होते छोटे पौधे, उन्होंने उस गेट को कवर किया हुआ है. When frost was spectre grey, okay? फ्रॉस्ट जिसे हम कहते हैं कोहरा, कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है. स्पेक्ट्रे ग्रे, स्पेक्ट्रे मतलब विजन जो है आपका, ग्रे मतलब धुंधला सा गया है ना. कोहरे की वजह से आपका जो देखने का साइट का जो आपका विजन पावर जो आपकी है वो थोड़ी धुंधला गई है. एंड विंटर्स ड्रैग मेड डेसोलेट, ओके, द वीकनिंग आई ऑफ डे. विंटर्स ड्रैग्स मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विंटर्स सर्दियों में जो ड्रैग्स मतलब फ्रॉस्ट है, जो सर्दियों का पूरा एटमोसफेयर है, उसने हर तरह से हर चीज कर दी, डेसोलेट कर दिए, एम्प्टी कर दिए. वी ऑल नो दैट वी कीप ऑन ऑब्जर्विंग दिस थिंग आर सेल्फ ऑल्सो वेन देर इज सीजन ऑफ विंटर. हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना कि किस तरह से फॉग होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा जो भी हमारा सराउंडिंग है वो बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि लोग जल्दी से अपने घरों में चले जाते हैं. तो कहीं ना कहीं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आर राइटर इज गिविंग अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली एम्प्टीनेस. ओके, एम्प्टीनेस खालीपन की बात हो रही है यहाँ पे. इसी तरह से ह्यूमन लाइफ में भी किसी तरह से खालीपन जो आ गया है उसको वो हमारा राइटर बता रहा है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो मॉडर्न राइटर हैं, दे विल नॉट बी टॉकिंग इन डायरेक्टली, वो कभी डायरेक्ट बात नहीं करते, वो हमेशा हर बात में उनके कई मीनिंग छिपे होते हैं. एंड बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में ही वो बात कर रहे हैं. तो यहाँ भी वो क्या कह रहा है, विंटर्स ड्रैग डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे. ओके, विंटर्स ड्रैग फ्रॉस्ट है, और सर्दियों का मौसम जिस तरह से होता है उसने हर जगह ड्राइनेस फैला दी है, हर जगह एम्प्टीनेस फैला दी है. वीकनिंग आई ऑफ डे, वीकनिंग आई ऑफ द डे यहाँ पे किसको कहा गया है, सन को. सन इज द आई ऑफ द डे, मतलब जो सन है उसकी भी रोशनी बहुत धीमी हो चुकी है ना. ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन की जो आंखें हैं वो भी धीरे धीरे धुंधलाने लगी हैं, वो कमजोर होती जा रही है. यहाँ पे सन की लाइट की बात हो रही है, द लाइट ऑफ द सन इज ऑल्सो डिमिनिशिंग, कि जो सन की लाइट है वो भी डिमिनिश होती जा रही है. मतलब हम सभी जानते हैं सर्दियों में सूर्य दिखता नहीं है, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है.